इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पटना में लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में पटना के घाटों पर पटना नगर निगम की लापरवाही से घाटों पर गंदे प्रदूषित नाले का पानी बह रहा है। सोचने वाली बात ये कि इस गंगा के पानी से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। पटना नगर निगम आंख पर काली पट्टी बांधकर काम कर रही है। पटना के घाटों पर पटना के अलावा दूर दूर से लोग भी स्नान करने के लिए आते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर पटना के अलावा दूसरे जिले के लोग भी छठ मनाने के लिए घाटों पर आते हैं। पूजा और छठ के प्रसाद के लिए गंगा का पानी घर ले जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि लोक आस्था के पर्व छठ पर पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। पटना नगर निगम दिन रात गंगा घाटों की सफाई में लगी हुई है, लेकिन गंदे नाले के पानी को रोकने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। देखिए, मामला तो गंगा के प्रति जन आस्था जो है, गंगा की पवित्रता और गरिमा को मद्देनजर रखते हुए कुछ विकट समस्याएं हैं। जो नाले के पानियों का स्रोत अभी भी डायरेक्ट लिंक्ड है गंगा के साथ, तो जो लोग आते हैं पूजा पाठ के लिए गंगा जल ले जाते हैं, प्रसाद बनाना होता है और उसकी गंदगी से मन में काफ़ी क्लेश होता है। उस पर जरूरत इस बात की है कि तत्काल उस पर ध्यान दिया जाए। रह गई कि छठ पर्व को देखते हुए आने जाने का जो रास्ता है उसको सुगम बनाया जाए। खास तौर पे जो देखने में आता है, जो जानवर बहा दिया जाता है और जानवरों को देख करके वो जो लाश बहता रहता है, उसके लिए नगर निगम के जाने से जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन के तरफ से एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कि वैसे जानवरों का क्या बारा निपटारा किया जाए, उसका कहीं फ्यूनरली किया जाए या उसको छान करके, चूँकि इसमें हम लोग का महीने का एक अच्छा खासा अपने पास से ऐसा जाता है। चूंकि लाश को देख करके लोग नहाने आते हैं, पूजा करने आते हैं, और सामने में कहीं किनारे में लग गया है तो अब जन आस्था को काफी ठेस पहुंचती है। इसलिए विशेष तौर पर आग्रह होगा कि उसकी एक तत्काल सुगम व्यवस्था कराई जाए। परिचय दीजिए आप अपना। मैं डॉक्टर राजीव गंगौल, मैं गंगा सेवा दल समन्वय समिति कंगन घाट का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है सर, गंगा में क्या हो रहा है? गंदगी आ रहा है नाला वाला, जानवर उनवर फेंक देता है, भनक जाता है, पब्लिक नहाय आता है, ओकरा भनक जाता है। वही बंद करवा दीजिए, कहीं कुछ रास्ता दीजिएगा उसको बंद करवाने के। क्या चाहते हैं सरकार? वही बस बंद करवा देते तो ठीक रहते। गंदा नाली को बंद? जी 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 हाँ। और जो मवेशी वगैरह वो सब बंद हो जाएगा? वो तो क्या उससे दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, भंसाए पड़ता है, ठीक जाता है घाट पर। अब स्नैया से पूजा करेला न पाता है तो ओकरा एक तलाव उन्हें हो जाता ना, बगल में जगह है, ये है तालाब हो जाता, वही में कराता। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे? वही तालाब बंद होना, खोल देना है, नाली बंद होने है। गंगा में बहता है नाली, क्या नाली है, एकदम जोड़ लीजिए दानापुर से लेकर के खाली नाली है, नाली है। अच्छा, और क्या चाहते हैं? हाँ, वो रुक जाए थोड़ा। आपका परिचय? अपना नागदुराय पहलवान, यहाँ कगन घाट के सेवा में लगे हुए हैं। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ के नगरवासियों को गंगा? यहाँ आप देखिएगा कि मतलब हर नाला, मतलब आप गंगा जी में मतलब ज्वाइन किया हुआ है, हर गंदगी मतलब नाला का वो गंगा जी में प्रवाहित हो रहा है, तो उससे थोड़ा आदमी को ठेस पहुँचता है। क्योंकि अभी छठ पर्व आ रहा है, उसमें सब गंगा जल का ही उपयोग करते हैं प्रसाद ये सब बनाने में। तो अभी फ़िलहाल के लिए या कुछ उपाय देखा जाए कि जो नाले का पानी है वो गंगा जी में ना जाए। और क्या जानवर के बारे में बता रहे थे? हाँ, यहाँ पे रोज देखने को मिलता है कि आपका ये जानवर आके गंगा घाट पे लग जाते हैं, तो उसे कारण कुछ दिन रहता है तो महक भी वैसा आता है, दुर्गंध भी आता है, तो अगल बगल में जो नहाने वाले हैं वो भी अच्छे से नहा नहीं पाते उसको देख के। और यदि कुछ उसका स्थायी व्यवस्था किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम विकास राज जायसवाल हुआ, मैं भी गंगा सेवा दल समन्वय समिति का सदस्य हूँ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।